Assalamu alaikum, viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely conversations on climate change. क्लाइमेट uh, चेंज के ऊपर जो कन्वर्सेशन है उसी हवाले से इसे लिखा गया है बेसिकली क्लाइमेट चेंज जिस तरह से जिस तेजी के साथ आ रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो अकल हो रहे हैं और खसूस तौर पर हम देखें पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उसी हवाले से राइटर इसके अंदर जो है वो लिखेंगी मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं

एक्सेसिव रेन से मुराद यही है कि जो से हटकर बहुत ज्यादा बारिशों का नेक्स्ट हमारे पास फूड इन आ जाता है फूड इनसिक्योरिटी से मुराद यहाँ पर यह ली जा रही है कि जो खुराक की कमी हो सकती है ठीक है उसकी सिक्योरिटी नहीं रही मजीद आगे चलकर लैकिंग इसमें हो सकती है नेक्स्ट हमारे पास ब्लीक आ जाता है ब्लीक का मतलब ग्रिम होता है डिप्रेसिंग होता है यानी मायूर

तो एबल uh, कंट्रीज को कमजोर कंट्रीज को वो फंड प्रोवाइड किए जाए नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंटेटिव आता है uh, का मतलब होता है कि रियालिटी पर बेस करना यानी कि जिसकी बुनियादें जो है वो रियालिटी uh, पर बेस करती हूँ कोस्टल प्रोटेक्शन से मुराद यही है साहिल uh, जो हिफाजत की बात हो रही है यानी ऐसे मयर लेना ऐसे स्टेप्स उठाना जिसकी वजह से साहिल की आपकी प्रोटेक्शन हो सके नेक्स्ट हमारे पास ब्लू चार्टर आता है ब्लू चार्टर से मुराद एक ऐसी कमिटमेंट है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज करती है एक्टिवली के वो कॉपरेट करेंगी एक्टिवली प्रोटेक्शन uh, करेंगी

कहेंगे तो ये थी कुछ उसकी डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ट मॉडलिंग स्टडीजान में यही देते हैं और बहुत ही ज्यादा शदीद जो वेदर uh, इवेंट्स है वो अक्कर होते नजर आ रहे हैंज स्पेंड टाइम इनकेट अ फेवर टॉपिक ऑफ लाइट कन्वर्सेशन फॉर वैपनिंग विद

Is normal, इसके बारे में नहीं है यू के रिकॉर्डेड इट हाइएस्ट एवर टेम्परेचर ऑफ फोर्टी पॉइंट थ्री डिग्री सेंटीग्रेड विदीट वेव ट्रेजिकली रिजल्टिंग इन ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड एक्सेस डेथ लास्ट ईयर बता रहे हैं यूके ने रिकॉर्ड किया हाइएस्ट एवर टेम्परेचर कितना था चालीस इशारिया तीन डिग्री सेंटीग्रेड का जिस हीट वेव ट्रेजिकली आपको रिजल्ट उसका क्या नजर आता है कि तीन हजार डेथ्स यहाँ पर हुई दिस हाउ एवर प्रेल्स इन कम्पेरिजन विद अकर्ड इन पाकिस्तान तो ये में ही है पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो में हुआ अ लैक ऑफ रेन अर्ली इन द ईयर लेट टू टेम्परेचर ऑफ एन एक्सीडिंग फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड अक्रॉस द कंट्री ठीक है जैसे कि अर्ली जो हमने देखने को मिला बारिशों की कमी जो थी ठीक है अर्ली इन द ईयर टेम्परेचर कितने एक्सीड कर गया फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक अक्रॉस द कंट्री रिजल्ट क्या हुआ इन व्हाइट सेपरेट क्रॉप फेल

के जो टेम्परेचर के राइज होने की वजह से जो 40 मिलियन पाकिस्तानी हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे उस तरफ धकेले जाएंगे। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैव स्लो डाउन करने में पाकिस्तान का ओवरऑल जो ग्रोथ उन्होंने बताया वो अठारह से बीस है पर ईयर दो तक रिड्यूसिंग कंट्रीज एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम क्राइसिस

The tragedy is that whilst Pakistan has done very little to contribute to the drivers of climate change, तो tragedy यही है कि पाकिस्तान ने क्या जो यहाँ पे देखें तो कम contribute किया है और climate change के वाले से contributing less than one percent of the world's annual emission, जिसमें वो एक percent जो है वो से जो less than है वो contribute करता है दुनिया के annual emissions में. It is the eighth most climate vulnerable country in the world. तो ये दुनिया का आठवां जो है वनरेबल कमजोर तरीन क्लाइमेट के हवाले से मुल्क बन चुका है पाकिस्तान कैन के लिए I mean तो मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं उनका मतलब यही है कि इंक्रीज करे वो अपनी एबिलिटी को रिकवर करने के लिए आउट और टू मिटिगेट वनरबिलिटी टू या फिर कोई ऐसे मिटिगेट यानी मिटिगेशन स्टेप्स उठाए जिसमें वनरेबिलिटी से लड़ सके क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स के

सिस्टम ठीक है और अब यूके का देखें तो वर्क कर रही है ग्लोबल सिस्टम के साथ मोबाइल कम्युनिकेशन वो एक्सपेंड भी कर रहा है, AI, AI पर ठीक है, पहले से ही जो फॉरस्ट uh, फायर लगती है वो फॉस्टर well कर रहे हैं एरियाज को फेडरल कैपिटल टेरिटरी भी है और साथ साथ खैबर पख्तुनखा भी है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर जिसमें ताकि मिनिमाइज किया जाए कम से कम किया

गिवन द शेयर स्कील स्केल ऑफ ह्यूमन सफरिंग अकरिंग दिस कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड तो ये जो शेयर स्केल है ह्यूमन uh, सफरिंग का अकर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा सकता है मुतव किया जा सकता है हाउ एवर ताम विद कोप ट्वेंटी एट जस्ट अराउंड द कॉर्नर जो कोप ट्वेंटी एट है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है एंड विद टाइम नॉट ऑन अवर साइड और वक्त जो है वो हमारी साइड नहीं है इट इज असेंशियल तो ये बहुत जरूरी है दैट कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूस जो कन्वर्सेशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो मुसलसिल जारी रखी जाए दिस वीक द यू केज पाकिस्तान नेटवर्क

करने के लिए किस चीज को क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए हाउ द यूके एंड पाकिस्तान से टैकल कर सकते हैं आप है, देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है नेगोशिएटिंग सक्सेस uh, हासिल करता है कोप ट्वेंटी सेवन में जैसे हासिल की पाकिस्तान ने रिगार्डिंग द स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लॉस एंड डैमेज फंड ठीक है लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले इट मोर सब्सटेंटिव

ब्लू चार्टर के साथ काम करके और ज्वाइन करके सस्टेनेबल ब्लू इकॉमी एक्शन ग्रुप को एज आई मैं स्टार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन जैसे कि अब राइटर कह रही है कि उन्होंने स्टार्ट में ही कन्वर्सेशन के बोला था कि कन्वर्सेशन जनरेट्स आइडियाज आइडिया आइडियाजनरेट्स प्लान एंड प्लान प्रोवाइड आउटकम्स के कन्वर्सेशन आइडियाज को जन्म देंगे और आइडियाज फिर प्लान बनाएंगे और प्लांस हमें आउटकम की तरफ यानी नताज की तरफ लेकर जाएंगे एंड पाकिस्तान द यूके एंड द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड पॉजिटिव क्लाइमेट आउटकम्स और पाकिस्तान यूके और वो दुनिया को जो है वो बहुत ही जरूरी डायर नीड है अर्जेंट नीड है कि वो पॉजिटिव क्लाइमेट और नतज को निकालकर सामने लेकर आएं ताकि फ्यूचर जो है जनरेशन का भी उनका सिक्योर हो सके तो क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एसेज में इसको uh, जो है वो ले सकते हैं उसके अलावा करंट अफेयर के हाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान uh, अफेयर्स में देखा जाए तब भी क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये था इसका एनालिसिस अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो कांडली इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज